तो खंडवा से बीजेपी सांसद रहे दिवंगत नंद कुमार सिंह चौहान का अंतिम संस्कार आज बुरहानपुर में उनके पैतृक गांव शाहपुर में होगा। पार्थिव देह पैतृक गांव लाई गई है। देर रात 2 बजे उनकी पार्थिव देह भोपाल से खंडवा ले जाई गई, जहां आधी रात के बाद भी अपने चहेते नेता के अंतिम दर्शन के लिए सैकड़ों लोग जुटे रहे। यहां पर 25 से अधिक स्थानों पर श्रद्धांजलि द्वार लगाए गए हैं। अंत्येष्टि कार्यक्रम में सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई नेता उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। तो ये पुरानपुर से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज पंच तत्वों में विलीन होंगे नंद कुमार सिंह चौहान। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बुरहानपुर में उनके पैतृक गांव शाहपुर में उनका अंतिम संस्कार होगा। पैतृक गांव शाहपुर उनके पार्थिव देह को यहां पर लाया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कई नेता अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल होंगे। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी की क्षति नहीं है, लाखों लाख कार्यकर्ताओं की व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि नंदू भैया उनको प्यार करते थे। ये प्रदेश की क्षति है कि नंदू भैया बहुत याद आओगे, हो सके तो फिर लौट के आना, उनको श्रद्धांजलि। एक बड़ा दुखद दिन है कि नंदू भैया आज हमारे बीच में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक अपूर्णीय क्षति है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मैं श्रद्धेय नंदू भैया को श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। चलिए हमारे संवाददाता दिलीप फोन लाइन पर जुड़ा है। दिलीप, आज पंच तत्व में विलीन होंगे नंद कुमार सिंह चौहान, उनके अंतिम दर्शन के लिए हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। जी, मैं बता दूं कि जैसे ही नंदू भैया का निधन हुआ, और कल से कहीं ना कहीं उनका जो गृह नगर है शाहपुर बुरहानपुर में लोगों का आना कल से ही शुरू हो चुका था, और पूरे जिले भर से लोगों का आना चालू है, और लोगों ने अपनी दुकानें भी बंद रखी है शोक में, और हजारों की संख्या में लोग उनके जो अंतिम संस्कार में शामिल हो गए। बड़े नेता आ रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर आ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस के नेता अरुण यादव आ रहे हैं। उसी को देखते हुए हेलीपैड भी 3 से 4 हेलीपैड बनाए गए, और सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। दिलीप, निश्चित रूप से एक लोकप्रिय नेता रहे नंद कुमार सिंह चौहान, और आज जब उनका अंतिम संस्कार यहां पर होगा, बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे, सीएम भी इसमें शामिल होंगे। कितने बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा? प्रशासन की आप किस तरह से यहां पर तैयारी देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं? जी, मैं बता दूं कि प्रशासन ने कल से ही तैयारी पूरी कर ली थी। बड़े नेताओं का जो आना है, पायलट गाड़ियां रखे है, पायलटिंग के लिए उन्होंने टीम बना के रखी है, सब नेता आ ही रहे। और जिले के जो कार्यकर्ता थे भाजपा के, खरगोन, खंडवा, देवास, बागली, ये पूरा आना मैंने सुबह से ही चालू हो गया है। चलिए दिलीप, आप नजर बना के रखिए, अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।